बहुत छोटा सा शुभम करुणम कल्याण। डॉक्टर अमरा जी का भी आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा समय में पत्रकार बंधु भाई कहना चाहते हैं। समाज के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के इनका योगदान होता है। श्रीमती आशा खत्री जी, आप भी आप लोग तब से होम में काम कर रहे हैं जब यहाँ पे महिलाएं नाम मात्र को निकलती थी, और आज हम सबकी इंस्पिरेशनल हैं। आपके द्वारा हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और समय समय पे मार्गदर्शन भी मिलता है। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है, एमए पीए की। 2013 में भारतीय जनता पार्टी और तब से लेके अब सबके बीच में केसरिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हमारे बीच उपस्थित है। थैंक यू प्रणाली। इसके साथ ही केसरिया हिंदू वाहिनी, जैसा कि नाम से ही पता लगता है केसरिया हिंदू वाहिनी, मतलब क्लियर है कि क्या चीज़ है। ये एक गैर राजनीतिक संस्था है और ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ही कार्य करती है, जैसे लड़कियों को शिक्षा दिलाना, उनकी शादी करवाना, इस तरह के कार्य। और इसके कई प्रकोष्ठ हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी के कई प्रकोष्ठ हैं, युवा मोर्चा, मेन मोर्चा, गौ प्रकोष्ठ और संत प्रकोष्ठ, ऐसे करके 8-10 इसके प्रकोष्ठ हैं। सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। महिला मोर्चा में मेन महिलाओं के लिए कार्य कमेटी, प्रदेश की कमेटी गठित करनी है, वो जैसा हम लोग के पास है कमेटी गठित करूँगी, जो भी है ऊपर से दिशा निर्देश है उसके आधार। चुनाव से हम लोग कुछ नहीं होता, गैर राजनीतिक संगठन है ना, तो इसमें चुनाव से हमें कोई सरोकार नहीं है। चुनाव के लिए हमारा तो काम है महिलाओं को देखना, बच्चियों को देखना, उनकी काउंसलिंग करना, गरीब है उनका शादी, इस तरह का कार्य, इसमें राजनीति से कोई। अच्छा लग रहा है, सारी महिलाएं एकत्रित हैं इसने मिलन कार्यक्रम में, सब लोग आए हैं अपने, और आज मैं 30-35 सालों से इन्हीं सब महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, सबके इसमें और सबके साथ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ कर रही हूँ।